हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। तो पिछली वीडियो में हमने वर्कशीट 2 कंप्लीट की थी, ठीक है। होपफुली आपको वहां तक के न्यूमेरिकल्स समझ आ चुके होंगे, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल की थ्योरी आपको मेरी असाइनमेंट में मिल जाएगी, पेज नंबर 10 पे, ठीक है। असाइनमेंट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप मेरी वेबसाइट से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा पूरे के पूरे पोस्टुलेट्स, वो आप असाइनमेंट से गो थ्रू कर सकते हैं। साथ साथ असाइनमेंट ओपन कर लीजिए और साथ साथ उसको वीडियो को वॉच करते रहिए। एक पोस्टुलेट मैं समझा रहा हूँ तो पहले उसको असाइनमेंट से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पेज नंबर 10 खोल लीजिए असाइनमेंट का, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर्स मॉडल, बोहर मॉडल क्या था? रदरफोर्ड फेल हुआ तो उसके बाद बोहर आया। बोहर ने क्या कहा कि सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और रिवॉल्व करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे, वो उसकी लिमिटेशन थी। लेकिन बोहर ने क्या कहा कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है? शेल्स हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है? शेल्स हैं। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व करता रहेगा, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व करता रहेगा, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। मतलब जब तक एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तब तक उसकी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। ना तो वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है ना वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ डेंस न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर। इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर में, विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और वहां पे क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ना तो ये एनर्जी लूज करते हैं ना ही ये एनर्जी क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्यों? ना तो ये पास आ रहा ना ये दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। दोनों फोर्सेज इक्वल हैं तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत। सेकेंड पॉस्टुलेट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है? कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट, यह क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए? एनएच बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है, नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर उसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। मतलब न्यूक्लियस से लेके शेल तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई। एन क्या है यहां पर? शेल नंबर। अगर फर्स्ट शेल है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सेकंड शेल है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, 2 पाई कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सारे के सारे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं करते, वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर एमवीआर किसके इक्वल होता है? एनएच बाय 2 पाई के। एन इज द क्वांटम नंबर, ठीक है, शेल नंबर। अगला पॉइंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इट नाइदर गेन्स एनर्जी नॉर लूजेस, हेंस दिस एनर्जीज, हेंस दिस ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स। जब तक एक इलेक्ट्रॉन इसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना वो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी है, ना एनर्जी लूज कर रहा है ना एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। और हर एक शेल के कुछ एनर्जी है, हर एक शेल की कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। एवरी शेल इज एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हेंस दीज शेल्स आर नोन एज एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरली एन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज टू मूव इन अ पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट विदाउट लूजिंग एनर्जी, सच अ स्टेबल स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बेसिकली हम n इज इक्वल टू 1 को लिया करेंगे। अगर आपसे कभी भी ग्राउंड स्टेट की बात की जाए, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब जहां पे उसका इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में,
तो जितने भी ये पॉस्टुलेट्स हैं बेसिकली, या जितने भी बोहर्स के फॉर्मूलाज निकलेंगे, बोहर के जितने भी हम फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी का, वो सब एप्लीकेबल होंगे टू द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। मान लेते हैं ये फर्स्ट शेल है, मैं सर्कुलर नहीं बना रहा हूं, मैं वैसे बना देता हूं, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां पड़े, फर्स्ट शेल में। एज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां पड़े, फर्स्ट शेल में। अगर इसको ऊपर जाना है, हायर शेल में जाना है, तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहां जाना है माइनस जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इतनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में भेजना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में भेजना है तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ई टू माइनस ई वन। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना है थर्ड शेल में, तब कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ई थ्री माइनस ई वन, ठीक है। जहां पर भेजना है माइनस जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अगर ऊपर जा रहा है तब एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर नीचे आएगा n इज इक्वल टू 3, 2, 1, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर ऊपर जा रहा है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां पे था, E3 में, माइनस एनर्जी ऑफ जहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया E2, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन थर्ड से वन पे आ गया, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कहां था, E3 में था, कहां आ गया, फर्स्ट शेल में आ गया। अगर टू से वन पे आता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, E2 माइनस E1, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर ऊपर जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर नीचे आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हायर एनर्जी लेवल्स में हम भेज रहे हैं एनर्जी ऑफ, ये याद रखना है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी भी बढ़ती है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज लेस देन सेकेंड शेल इज लेस देन थर्ड शेल, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी हमेशा बढ़ती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो जब ऊपर जाता है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी एक्साइटेशन, और उसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो एक और पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कहां पर था, nth शेल में था, और वो n प्लस वन में चला गया। अगर n से कहां चला जाता है, एक ऊपर चला जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अगर दो ऊपर चला जाता है, n प्लस टू में चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगर एक ऊपर जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर दो शेल ऊपर चला गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन इनिशियली वन में था तो यह क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट। वन से कहां चला गया, टू में चला गया, तो ये क्या हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और वन से थ्री में चला गया, दो शेल ऊपर चला गया, तो ये कौन सी स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये पॉइंट्स इजीली याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है, समझिए इस चीज को। अगर ऊपर जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऊपर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, ऊपर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा है, तो जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्साइटेशन। अगर एक शेल ऊपर जंप करता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अगर दो शेल ऊपर जंप करता है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एक शेल नीचे आ गया, दो शेल नीचे आ गया, उस हिसाब से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। कैसे होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन था माइनस जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी एक्साइटेशन। इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या रिलीज करेंगे वो हमेशा रेडिएशंस की फॉर्म में होगी, तो एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू हम यूज कर सकते हैं यहां पे।
ठीक है, कोई डाउट नहीं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको बोहर के कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं। बोहर के रिजल्ट्स क्या हैं? एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि जब भी बोहर में हम एनर्जी कैलकुलेशंस करेंगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल सेकंड शेल इस तरह से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एन इज द शेल नंबर, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ करेगा? 0.53 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड आर्मसम, एन वही शेल नंबर एंड जेड एटॉमिक नंबर। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करेगा? 2.18 इंटू 10^6 इंटू जेड बाय एन, दिस मच मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फॉर्मूलाज आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन N2 में है और N1 में आ गया, उसके बीच मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं, N2 से कहां आ गया? N1 पे आ गया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस कितनी होंगी? N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1 बाय 2, ठीक है। ऊपर से अगर नीचे आता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस कितनी हुआ करेंगी? N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1 बाय 2। अगला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मान लो इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है, nth शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो वेव्स बना रहे, वो इस तरह से कुछ वेव्स बना रहे, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हुआ करेंगी? नंबर ऑफ वेव्स विल बी इक्वल टू शेल नंबर। अगर एक इलेक्ट्रॉन nth शेल में है और वो वहां पे रिवॉल्व कर रहा है तो वो वेव्स बनाएगा यहां से लेके यहां तक, एक वेवलेंथ, ठीक है, इस तरह से, तो स्टार्टिंग से लेके ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ये एक वेवलेंथ है, यहां से लेके यहां तक सेकेंड वेवलेंथ, इस तरह से ये एन नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा। तो कितनी वेव्स बनाएगा वो किसके इक्वल होगा? शेल नंबर के। अगर सेकंड शेल में तो कितनी वेव्स बनाया करेगा? 2 वेव्स। अगर थर्ड शेल में तो कितनी वेव्स बनाया करेगा? 3 वेव्स, ठीक है। इजी सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे आगे डिटेल में। ये हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे यूजिंग अ न्यूमेरिकल, ठीक है, वर्कशीट 3 में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम इसको डिराइव भी करेंगे। तो ये आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अगला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इसके अंदर डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय एम वी, एम वी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम, पी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एन टू से एन वन पे आ रहा है, एन टू से एन वन पे आ रहा है, तो वो कितनी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन रिलीज करेगा? ये रेडिएशन रिलीज करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या करेगा? रेडिएशन रिलीज करेगा। और इस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होगी? उसका फॉर्मूला क्या है? 1 / λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, 1 / N1² - 1 / N2² × Z², वेयर आर इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी हुआ करेगी? 1.09 × 10^7 मीटर इनवर्स, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ हुआ करेगा मीटर्स के अंदर, N1 लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या हुआ करेगा? हायर एनर्जी लेवल, Z एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग इक्वेशन। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, तो यहां तक याद रखिए। इसके बाद अगली वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट 3, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाने चाहिए। वर्कशीट 3 हम डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कशीट 3 फ्रॉम JEE मेंस एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम बोहर्स मॉडल, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन वर्कशीट 3 अगले वीडियो लेक्चर में।
ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्कशीट 3, असाइनमेंट का लिंक आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, या आप असाइनमेंट मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, www.drlogics.com।